हेलो दोस्तों, आपका हार्ट स्पोर्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम टॉप 40 क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, जो कि 19 से 25 मई 2020 के लिए पूछा गया है। और विश्वास रखिए दोस्तों, आप इस वीडियो में बने रहिए, 10 से 15 क्वेश्चन तो मैं आपको वर्ड टू वर्ड ही याद करवा दूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि किस राज्य ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू किए थे। ये किसने किए दोस्तों? छत्तीसगढ़ ने किए। छत्तीसगढ़ ने, अब याद कैसे रहेगा दोस्तों, छत्तीसगढ़ मिस किला। तो किसी आदमी के पास वर्तमान में, अगर मान लीजिए इस समय की बात कर रहे किया जा रहा है 2020 में, उसके पास छत्तीसगढ़ है यानी 36 वो किला है, तो कोई विश्वास करेगा दोस्तों? कोई राजी ही नहीं होगा कि उसके पास 36 किला है। कोई वो गांधी जी थोड़े है कि सत्य बोलेगा। तो इस तरह याद कर सकते हैं कि वो कह रहा है कि छत्तीसगढ़, तो वो कह रहा है कि मैं राजी नहीं हूँ, तुम गांधी जी की तरह सही नहीं बोल रहे हो, सत्य नहीं बोल रहे हो, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पांचवी बार इजराइल के प्रधानमंत्री किसको बनाया गया है। तो ये बनाया गया है बेंजामिन नेतन्याहू को। ये कैसे याद रहेगा दोस्तों? देखिए इज मिस है इजराइल, लास्ट में इल है, इल मिस बुखार। तो किसी को बुखार है तो क्या दिया जाएगा दोस्तों? दवा दिया जाएगा। तो देखिए बेंजामिन को अपन बेंजीन की गोली कर सकते हैं। कि मान लीजिए कोई किसी को बुखार हुआ है तो बेंजीन की गोली दिया जा रहा है। बेंजीन की गोली नहीं होती है, लेकिन आप दिमाग में बैठा सकते हैं कि बेंजीन की गोली दिया जा रहा है। तो बेंजामिन नेतन्याहू पांचवी बार बने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वुहान डायरी डिस्पैच फ्रॉम ए क्वारंटाइन सिटी पुस्तकों का लेखक किसने लिखा है? तो ये फांग ने लिखा है दोस्तों। जो चीन के शहर का नाम है वुहान, तो वहीं से कोरोना वायरस यानी कोविड-19 की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जम्मू कश्मीर बैंक के नए MD किसको बनाया गया है दोस्तों? तो ये बनाया गया है जुबैर इकबाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मनरेगा के लिए कितने करोड़ अतिरिक्त राशि आवंटित करने का निर्णय लिया गया है? तो ये 40,000 करोड़ रुपये का निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कोविड मरीजों के लिए रेल बोट को आर बोट भी कह सकते हैं। रेल बोट रोबोट किसने विकसित किया है? ये दक्षिण मध्य रेलवे ने। तब याद कैसे रहेगा? रेल है बोट मिस नाव। बोट मतलब वो बोट वाला नहीं है, लेकिन मैं याद करने के लिए ट्रिक बता रहा हूँ, बोट मिस नाव। तो कोई बोट दक्षिण को कर दीजिए दक्षिणा, यानी दक्षिणा में कोई आदमी बोट मांग रहा है, रेल मांग रहा है और बोट मतलब नाव मांग रहा है। तो रेल मांग रहा है और बोट मिस नाव मांग रहा है दक्षिणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेशनल टेस्ट अभियान मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? तो ये किया है मानव संसाधन विकास मंत्री। तो आपको ऑप्शन देगा दोस्तों कि मानव संसाधन विकास मंत्री, स्वास्थ्य मंत्रालय, परिवहन मंत्रालय। तो ये बताइए दोस्तों, टेस्ट और अभ्यास कौन देता है? तो मानव ही तो देता है। अब स्वास्थ्य मंत्री थोड़े देगा, स्वास्थ्य नहीं देगा, परिवहन नहीं देगा, ठीक ना, विदेश नहीं देगा, मानव देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आत्मनिर्भर भारत के लिए जयतु भारतम सॉन्ग किसने गाया था? लता मंगेशकर गाए हैं दोस्तों। वो तो गाए हैं 200 गायकारों ने गाया है, लेकिन उसमें मेन रोल लता मंगेशकर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि रिलीजन्स ऑन कोविड-19 रिस्पॉन्स प्रस्ताव को किसने लॉन्च किया है? तो ये WHO ने किया है, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि होप ऑन माई एडवेंचर ऑन बोट्स ट्रेन द प्लेन बुक को किसने लिखा है? तो ये रस्किन बॉन्ड ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में कौन सा सुपर साइक्लोन उत्तर पूर्व की ओर तेजी से बढ़ रहा है? तो उस साइक्लोन का नाम है दोस्तों सुपर साइक्लोन अम्पन, यानी वो एक बाढ़ है, तूफान है। आप ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि ये अम्पन नाम किसने दिया है? तो थाईलैंड ने दिया है। आ ये किस क्षेत्र को प्रभावित कर रहा है? तो उड़ीसा और पश्चिम बंगाल को ज़्यादा प्रभावित कर रहा है। इसके लिए प्रधानमंत्री ने 1,000 करोड़ रुपए की राशि भी दी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1,000 करोड़ रुपए की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि साइबर सुरक्षा स्टार्टअप के लिए है कार्यक्रम किसने शुरू किया है? तो CY SEC ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रवासी मजदूरों के लिए चरण पादुका अभियान किसने शुरू किया है? तो मध्य प्रदेश ने किया है दोस्तों। चरण पादुका यानी चरण, पादुका मीन्स पैर। तो चरण पैर एक ही से, यानी मध्य में पैर होता है, इस थोड़ा सा दिमाग बैठा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोल्ड लोन की सुविधा का शुभारंभ किसने किया है? तो ये किया है केनरा बैंक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कोविड-19 लॉकडाउन के बाद शुरू होने वाला दुनिया का पहला खेल इवेंट कौन बन गया है? तो ये बर्जिलिया फुटबॉल लीग है दोस्तों, बिना दर्शकों का खेला गया है ये।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विश्व स्वास्थ्य सभा का कौन सा सत्र आयोजित किया गया है, तो 73 नंबर का किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडियन स्टील एसोसिएशन भारतीय इस्पात संघ के नए अध्यक्ष किसको बनाया गया, तो दिलीप उमेन को बनाया गया दोस्तों, दिलीप उमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सुकून COVID-19 बीट्स द स्टेट कार्यक्रम को किसने शुरू किया है, तो जम्मू कश्मीर ने किया है, जम्मू कश्मीर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन के अगले कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह को किया गया दोस्तों। बहुत ही खुशी की बात है, ये हमारे भारत के स्वास्थ्य मंत्री है, तो इनको WHO का अध्यक्ष बनाया गया है। आइए भी याद रखेगा कि WHO का स्वास्थ्य सभा हाल ही में 73 नंबर का हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि रेलवे ने कितने हॉर्स पावर वाला इंजन वैग 12 इंजन का नाम क्या है, वैग 12 को सफलतापूर्वक चलाया है, तो 12,000 हॉर्स पावर का था दोस्तों। याद भी रख लीजिएगा कि उस इंजन का नंबर क्या था, तो 60027 था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 21 मई को मनाया जाता है, 21 मई को, इसी दिन राजीव गांधी की हत्या की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दीदी वाहन सेवा किस राज्य में शुरू किया गया है, तो ये मध्य प्रदेश में किया गया दोस्तों, तो मध्य प्रदेश को हम MP भी कहते हैं, तो MP से पी से याद रखेगा, प्यारी दीदी, प्यारी पी से प्यारी दीदी, तो याद रहेगा दोस्तों कि दीदी वाहन सेवा किसने किया है, MP यानी प्यारी दीदी यानी मध्य प्रदेश ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं कि नाबार्ड कृषि और ग्रामीण विकास बैंक का नया अध्यक्ष किसको बनाया गया है, तो गोविंद राजुल्लू चिंटला को बनाया गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं कि मी अनुपूर्णा पहल का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है, तो ये महाराष्ट्र में किया गया, मी महाराष्ट्र, थोड़ा सा दिमाग बैठा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं कि विश्व बैंक का नया उपाध्यक्ष और मुख्य अर्थशास्त्री किसको बनाया गया है, तो ये कार्मेन रेनहार्ट को बनाया गया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं कि UP स्टार्टअप फंड की स्थापना किसने की, तो UP से याद रखिएगा दोस्तों, उत्तर प्रदेश ने की इस फंड की शुरुआत। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं कि RBI ने रेपो रेट में कितने प्रतिशत की कटौती की है, तो रेपो रेट में की है दोस्तों 0.40%, पहले रेपो रेट कितना था 4.40 था, अब उसको घटा दिया गया, तो कितना कर दिया गया 4%, तो कितनी की कटौती हुई दोस्तों 0.40%। ये भी याद रखिएगा कि रिवर्स रेपो दर में कितने की कटौती हुई है, तो उसमें भी 0.40% की कटौती हुई है रिवर्स रिपोर्टर में, रिपोर्टर में भी उतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल में अम्फान तूफान से हुई तबाही का हवाई सर्वेक्षण कर कितने रुपए की राहत का पैकेज दिया है दोस्तों, तो ये 1,000 करोड़ रुपए का पैकेज दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किसने अल्जाइमर की वजह से याददाश्त को रोकने या कम करने हेतु एक तकनीकी विकसित करने का दावा किया है, ये IIT गुवाहाटी ने किया। अल्जाइमर में क्या होता है दोस्तों, याददाश्त कमज़ोर हो जाती है, आदमी भूल भी जाता है, तो उसको कम करने के लिए चाहे एकदम रोकने के लिए विकसित कर दिया है IIT ने, IIT गुवाहाटी ने नई तकनीक का। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं कि यूनिसेफ ने किसके साथ COVID-19 से प्रभावित बच्चों और परिवारों को मदद के लिए हाथ मिलाया है, तो एयरटेल अफ्रीका के साथ हाथ मिलाया है। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क, तो सेफ रहना है ना आपको, क्या रहना है सेफ, सेफ तो किससे रहना है, याक मीन्स सांड या बैल, तो सांड से आपको सेफ रहना है, तो इसे याद कर सकते हैं कि यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, तो विविधता में बी आ रहा है दोस्तों, बी तो बी कितने स्थान पर आता है, दो स्थान पर, तो 22 मई को मनाया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नाडा ने किस पावर लिफ्टर्स को निलंबित कर दिया है, तो ये सविता कुमारी और अंकित सिसोदिया को नाडा ने निलंबित कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा देश पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यानी PPI का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है, तो ये बन गया है भारत दोस्तों। पहला कौन है, तो पहला चीन है। ये PPI क्या होता है दोस्तों, तो लोगों के संक्रमित होने से बचने के लिए डॉक्टर और नर्स इसका उपयोग करते हैं। दूसरे स्थान पर कौन है, भारत है, पहला स्थान पर चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस देश ने भारत के साथ सीमा विवाद के बीच अपना नया नक्शा जारी किया है, तो नेपाल याद रख सकते हैं दोस्तों, नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत ने किस देश के साथ हाल ही में 5 नए बंदरगाहों और 2 नए प्रोटोकॉल मार्गों के संचालन के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है, तो बंदरगाह से बस बंगलादेश याद कर सकते हैं दोस्तों।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हरित ऊर्जा उपकरणों में आयात शुल्क में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, की गई है, तो ये 20% की वृद्धि कर दी गई है। दोस्तों इसका लेखा जोखा किसने पेश किया, तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसका लेखा जोखा पेश किया था। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि खनिज का कानून संशोधन विधेयक 2020 किसने पारित किया है, तो ये किया है लोकसभा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपने वेतन का कितना प्रतिशत कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में भारत सरकार की सहायता के लिए दान देंगे, तो अपने वेतन का 30% देंगे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को बनाने के लिए किस देश की कंपनी को गृह मंत्रालय ने स्वीकृति दे दी है, तो ये स्विट्जरलैंड को स्वीकृति दे दी है। नोएडा में डोआरा है और स्विट्जरलैंड में भी स्विट्जरलैंड डोआरा है, तो उस तो थोड़ा सा ऑप्शन पकड़ सकते हैं। दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस राज्य ने प्रत्येक वर्ष मानसून के बाद आने वाले स्वाइन फ्लू, तो स्वाइन फ्लू को क्या कहते हैं दोस्तों, H1N1 या मौसमी इन्फ्लुएंजा का मुकाबला करने के लिए राज्यव्यापी टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया है, तो ये हरियाणा ने किया है। दोस्तों तो आज के लिए इतना ही। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर की दीजिए दोस्तों, और एक लाइक कर अपना मेरा मनोबल जरूर बढ़ाए। दोस्तों धन्यवाद दोस्तों।